اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں بی ایس سی اسٹیٹسٹکس کا چیپٹر نمبر 9 کوسچن نمبر 31 ہے آج ہمارے پاس اس کا اے پارٹ ہے میں کوسچن ریڈ کروں گی آپ کائنڈلی بک سے دیکھیں کہ کوسچن ہمارے پاس کیا ہے 9.31 کے اے پارٹ میں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں A random sample of 1000 roads are tested for their length and it's found that the mean and the standard deviations is this. Mean हमारे पास given है 14.40. Standard deviation हमारे पास given है 2.50. वो कह रहे हैं if the length of the road are normally distributed, अगर length इसकी normally distributed है, how many roads will be between कितने रोड्स होंगे 12 एंड 16 के दरमियान. सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट आर द चांसेस डेट एनी रोड सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी 15 मीटर लेंथ एंड अबव. कितने चांसेस होंगे कि लेंथ जो है उसकी 15 मीटर हो और उससे अबव हो. अब आपको पता है ये एक्स फंक्शन गिवन है. सबसे पहले सिमिलरली हम इसे जी में चेंज करेंगे. इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी रोड विल बी बिटवीन 12 एंड 16. तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 12 से 16 के दरमियान. 12 लेस देन एक्स लेस देन 16, इसको हम जी फंक्शन में चेंज करेंगे. 12 माइनस न्यू है हमारे पास 14.40, सिग्मा है हमारे पास 2.50, लेस देन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, लेस देन इक्वेलेंट टू 16 माइनस 14.40 ओवर 2.50. इसको सॉल्व करेंगे, जी फंक्शन में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.96, ये हमारे पास आ जाएगा जी. ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.64. ये टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी. अब आपको पता है जब हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की शेप बनाते हैं, ये ज़ीरो है, माइनस 0.96 कहीं यहाँ है और 0.64 कहीं यहाँ है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. तो हमने ये वाला सारा एरिया और ये वाला सारा एरिया, यानी कि ये एरिया हमने फाइंड करना है. अब हम 0 से 0.64 तक का एरिया देखेंगे और 0 से माइनस 0.96 तक का एरिया देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे हम, यानी कि फाई 0.96, 0 से लेके 0.96 के एरिया में हम ऐड कर देंगे 0.64 के एरिया को. इन दोनों के एरियाज़ को ऐड किया, इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू देखें, हमारे पास आ जाएगा 0.3315 प्लस 0.2389. इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.5704. अब वो आपसे कह रहा है कि 12 से 16 के दरमियान कितने रोड्स हैं. अब हमने नंबर ऑफ़ रोड्स बताने हैं इनके दरमियान, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोड्स बिटवीन 16. नंबर ऑफ़ रोड्स हमारे पास गिवन है, उससे हमें कहा हुआ है 1000 रोड्स हैं. 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5704 साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 570 रोड्स. बस इसमें सिर्फ ये चेंज था, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं है हमारे पास. सिर्फ इतनी सी चेंजिंग की वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है. अब वो आपसे कह रहे हैं इसी के सेकंड पार्ट में, व्हाट आर द चांसेस डेट एनी रोड सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी 15 मीटर्स लेंथ एंड अबव. कि उसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर हो और उससे अबव हो.
तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वेलेंट टू 15 हो। सिमिलरली आपने इसको भी z फंक्शन में चेंज करना है। ये देखें, यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये चीज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले z फंक्शन में चेंज कर लेंगे, 15 में से म्यू को माइनस करें, सिग्मा पे डिवाइड करें, 0.24 आ जाता है। अब हमें पता है कि 0.24 से ग्रेटर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की जब हम डायग्राम बनाएंगे तो 0.24 से ग्रेटर ये सारा एरिया, तो 0.5 में से माइनस कर देंगे इस एरिया को, 0.5 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, 9.31 के बी पार्ट पे। ए पार्ट हम लोगों के पास हो गया है, आप काइंडली बुक से देखें। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ कि 9.31 का जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, वो हमारे पास क्या है। बी पार्ट में वो कह रहे हैं, द मीन स्कोर ऑफ 1000 स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन इज 34.4 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 16.6। कि हमारे पास इसका म्यू जो है वो 34.4 गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 16.6 गिवन है। ये है म्यू हमारे पास 34.4 गिवन है, सिग्मा 16.6 गिवन है। वो कह रहा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स मे बी एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन मार्क बिटवीन 30 एंड 60। हमने बताना है कितने स्टूडेंट हैं जो 30 से 60 के दरमियान जो है मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। अंडर द अजम्पशन डिटरमाइंड आल्सो द लिमिट्स ऑफ मार्क्स ऑफ द सेंट्रल 70% ऑफ द कैंडिडेट्स। इसके बाद हम 70% ऑफ द कैंडिडेट्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखना है 30 से 60 के दरमियान जो हैं वो कितने स्टूडेंट हैं। तो हमने 30 से 60 के दरमियान ले लिया, x की वैल्यू गिवन है। सिमिलरली आपको पता है जिस तरह हम पीछे करते रहे हैं, इसको z में कन्वर्ट करेंगे, 30 में से माइनस की म्यू की वैल्यू, सिग्मा पे डिवाइड किया, माइनस 0.27 आ गया, 60 का 1.54 आ गया, माइनस 0.27 से 1.54 के दरमियान हमने एरिया फाइंड करना है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, ऐड करके 0.5446 आ गया। अब हमने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्टेड ऑब्टेन मार्क, कितने स्टूडेंट हैं जो ऑब्टेन मार्क्स लेते हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स लेते हैं। तो 1000 ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको राउंड ऑफ करें, 4 की जगह यहाँ पे आगे 6 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। 1000 को 545 से मल्टीप्लाई करें तो 545 आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो 70% मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ये पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, बी पार्ट है हमारे पास। हाँ, ये वैसे तो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम अगर हम बनाते हैं, वो आपसे कह रहे हैं 70% एरिया जो है वो कवर करता है, ठीक है। अब 70%, 70 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, 70/100 तो हमारे पास आ जाएगा 0.7, यानी कि 0.7 एरिया जो है वो कवर करता है। अब 0.7 कुछ हिस्सा वो यहाँ से कवर करता है पॉजिटिव साइड से, कुछ हिस्सा वो नेगेटिव साइड से कवर करता है। अब हाफ एरिया वो पॉजिटिव साइड से कवर करेगा, हाफ एरिया वो नेगेटिव साइड से कवर करेगा। तो दोनों साइड से जब एरिया कवर करता है, हम 0.7 को 2 पे डिवाइड करेंगे, और जब हम 0.7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। अब 0.35 इट मींस 0.35 एरिया वो यहाँ से कवर कर रहा है, 0.35 एरिया वो यहाँ से कवर कर रहा है, टोटल 70% एरिया वो कवर कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो है 0.35 एरिया जो है वो कवर कर रहा है।
अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, फाई इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है फाई इन्वर्स 0.35। पॉइंट थ्री को 0.35 को हमने देखना है इन्वर्स टेबल में, देखें यहाँ जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का टेबल है हमारे पास पेज नंबर 545 पे, वहाँ से हम देखते हैं 0.35 हमारे पास कहाँ पे है। पॉइंट थ्री फाइव ये है हमारे पास, देखें तो ये कहाँ कहाँ आ रहा है। 1.0 को अगर हम 4 में देखें तो ये वैल्यू आती है ये वाली, तो 1.0 को 4 में तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.04 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ से x माइनस म्यू ओवर सिग्मा यानी कि जो z की वैल्यू है ये इक्वेलेंट टू z के होता है हमारे पास, z की वैल्यू हमारे पास 1.04 आ गई है। अब हमने लिमिट्स चेक करनी है, हमें पता है कि नेगेटिव एरिया भी कवर कर रहा है पॉजिटिव एरिया भी कवर कर रहा है, तो हमने लिमिट्स ऑफ मार्क्स देखने हैं। आप म्यू प्लस माइनस सिग्मा सी इकट्ठा भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव का अलग लेना है आप अलग ले सकते हैं, अगर आपने पॉजिटिव का अलग लेना है अलग ले सकते हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे लेने हैं आप इकट्ठे भी ले सकते हैं। अब देखें म्यू हमारे पास है 34.4, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ऊपर 34.4 प्लस माइनस सिग्मा हमारे पास गिवन है 16.6, जी की वैल्यू हमारे पास आई है 1.04। अब एक दफ़ा हम इस सारे को माइनस में करेंगे, माइनस 16.6 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.04 से, अंदर ऐड करेंगे 34.4 तो यह आ जाएगा 17.14, और जब हम इसको प्लस रखेंगे 16.6 को प्लस रखेंगे 1.04, यानी कि जब ये प्लस का एरिया कवर कर रहा है तो हम प्लस रखेंगे, जब नेगेटिव का एरिया कवर कर रहा है तो नेगेटिव रखेंगे। अब प्लस रखेंगे, प्लस करके इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 51.68, यानी कि वो जो कवर कर रहा है एरिया हमारे पास जो डिज़ायर्ड एरिया है, हैंस द डिज़ायर्ड लिमिट्स ऑफ सेंट्रल 70% ऑफ द कैंडिडेट्स। ये देखें हम यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, हैंस द डिज़ायर्ड लिमिट्स ऑफ सेंट्रल 70% ऑफ द कैंडिडेट्स आर, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट्स में कभी नहीं हो सकते, तो 17 से लेके 51.68 है, इसे आप राउंड ऑफ करें तो 52 आ जाता है, यानी कि 17 से 52 तक जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो 70% मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है हमारे पास 9.32। क्वेश्चन मैं बुक से रीड करूंगी, आप अपनी बुक से देखेंगे कि 9.32 हमारे पास क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 9.32 देखें बुक से, अ सॉफ्ट ड्रिंक मशीन इज रेगुलेटेड सो डैट इट डिस्चार्जेस एन एवरेज ऑफ 200 मिलीलीटर्स पर कप। इफ द अमाउंट ऑफ ड्रिंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वेलेंट टू 15 मिलीमीटर, कि आपके पास 200 गिवन है एंड 15 गिवन है। अब वो कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन मोर देन 240 मिलीलीटर। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कप कंटेन बिटवीन 191 एंड 209 मिलीमीटर। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी कप विल लाइकली ओवरफ्लो इफ 230 मिलीमीटर कप आर यूज टू द नेक्स्ट 100 ड्रिंक्स। डी है बिलो व्हाट वैल्यू डू वी गेट द स्मॉलेस्ट 25% ऑफ द ड्रिंक। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये तीनों जो हैं इज़ वेरी इजी, हमारे पास डिफ़िकल्ट नहीं है,
पीछे हम कर चुके हैं। एक दफ़ा मैं आपको फिर भी ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, सेम है पिछले क्वेश्चंस की तरह। ये देखें 9.32 है हमारे पास, 200 गिवन है और 15 मिलीलीटर गिवन है। हमने इसको इस तरह लिख लिया है, ये म्यू है, ये सिग्मा की वैल्यू है। आप ऐसे सिंपली भी लिख सकते हैं कि म्यू 200 है और सिग्मा हमारे पास 15 है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं विल कप विल कंटेन मोर देन 240। तो हमने एक्स मोर देन ज़्यादा है 240 से, तो एक्स ग्रेटर देन 240 ले लिया है। इसे जी फंक्शन में चेंज किया है, 0.5 में से माइनस किया है, तो जो है हमारे पास 0.0038 आ गया है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, तो 0.38% जो है हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो आ गया है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी अ कप कंटेन बिटवीन 191 एंड 209। तो हमने 191 से 209 के दरमियान लिया है। सिमिलरली एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किया है, इसमें से म्यू को माइनस करें, सिग्मा पे डिवाइड करें, जी फंक्शन में कन्वर्ट किया, 191 का माइनस 0.6 आ गया, 209 का 0.6 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया तो 0.4514 हमारे पास आ गया है। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में वो कह रहा है ओवरफ्लो ऑफ 230 मिलीलीटर्स का। ठीक है, 230 मिलीलीटर्स आपने कप जब निकालने हैं तो लास्ट पे यहाँ पे देखें उसने कहा है यूज फॉर नेक्स्ट 1000 ड्रिंक्स, के 1000 ड्रिंक्स के लिए है वो हमारे पास। इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट भी है तो वैसे ही लास्ट पे बस आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है एक्स ग्रेटर देन 230, और लास्ट पे जो इसका आंसर आएगा आपने इसे जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है जैसे हम पीछे करते आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सोल्व करके इसे जब हम जी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे, इसे सोल्व करके हमारे पास आता है 0.0228। तो आपने इसके आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 22.8 अप्रॉक्सीमेटली। आप इसे 23 भी लिख सकती हैं, लिख सकते हैं 23 लिख लें आप इसे। तो यहाँ तक ये जो है हमारा पार्ट था। अब इसके बाद डी है, डी पार्ट हमारे पास क्या है, डी पार्ट में वो आपसे कह रहा है बिलो व्हाट वैल्यू डू वी गेट द स्मॉलेस्ट 25% ऑफ द ड्रिंक, के क्या वैल्यू होगी 25% ऑफ द ड्रिंक पे। ये क्वेश्चन भी अभी हमने ऊपर किया है, सेम उसी तरह है। देखें हमने 25% से बिलो है प्रोबेबिलिटी 0.25% ले ली, ये वहाँ जाके इन्वर्स हो गया। हमने चेक कर लिया कि 0.25 कहाँ पे है, 0.675 पे है। एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है म्यू प्लस माइनस जी सिग्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आपसे कह रहा है 25 से बिलो है, तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे 25 से बिलो, यानी कि 0.5 यहाँ है, 0.5 यहाँ है, इससे बिलो है, तो ये 0.25 यहाँ पे कहीं लाए करेगा नेगेटिव साइड पे, इसलिए हमने जी की वैल्यू नेगेटिव ली है। म्यू गिवन है, जी की वैल्यू हमने नेगेटिव ली है, सिग्मा हमारे पास 15 है, हमने इसको सोल्व किया तो 189.875 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.33 सेम है 9.32 के डी पार्ट की तरह। एक दफ़ा फिर भी मैं आपको रीड कर देती हूँ। 9.33 में वो कह रहे हैं द हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स टू द पुलिस फोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। वो आपसे कह रहे हैं इफ़ 30% ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड बिकॉज दे आर टू स्मॉल, वट इज़ द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट ऑफ द पुलिस फोर्स। तो आपने उसकी मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट बतानी है। सेम इसका बी पार्ट भी इसी तरह है और ए पार्ट भी इसका इसी तरह है। बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं द एवरेज लाइफ ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ स्मॉल मोटर इज 10 ईयर विद स्टैंडर्ड एविएशंस
The manufacturer replaces free all motor that fail will under guarantee if he is willing to replace only 3% of the motors that fail. How guaranteed should be offer? Assume that the lives of the motor follow normally distributed. तो इसके दोनों पार्ट जो हैं 9.33 के हम डी पार्ट्स की तरह ही करेंगे. मीन भी आपके पास गिवन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है यहाँ पे. सिमिलरली जैसे हमने ऊपर ही क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही आ जाएगा. आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9.34 में वो आपसे कह रहे हैं एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइंस इंटीरियर डोर्स इन अ मेन. आपके पास यहाँ पे हाइट गिवन है 95%. वो कह रहा है इनफ सो डैट 95% ऑफ द मैन यूजिंग द डोर 1/4 क्लियरेंस. एज्यूम डैट द हाइट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. मीन हमारे पास 70 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 3 है. हाउ हाइट मस्ट बी आर्किटेक्ट मेक्स द डोर. यहाँ पे आपने बताना है कि क्या हाइट है डोर की. हम क्या करेंगे 9.34 में, ज़रा सा फ़र्क आएगा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की एक हम पूरी 0.4 ले लेंगे, 0.5 ले लेंगे, दूसरी 0.45 लेंगे, बाकी सेम एज इट इज़. जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसी के डी पार्ट की तरह होगा हमारे पास. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे. 9.35 क्या है हमारे पास, आप काइंडली क्वेश्चन बुक से रीड करें. 9.35 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है. 9.35 में देखें वो हमसे कह रहे हैं ए पार्ट है इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. 9.35 क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे. इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल आर रिस्पेक्टिवली 8 and 17. लोअर एंड अपर क्वार्टाइल 8 and 17 गिवन है, यानी कि लोअर क्वार्टाइल हमारे पास Q1 जो है 8 गिवन है, Q3 जो है 17 गिवन है हमारे पास. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का. अब जहाँ तक हमने 10th प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो Q1 होता है हमारे पास म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा होता है, और जो Q3 होता है हमारे पास Q3 होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा. ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करते हैं. Q1 में Q3 ऐड करें, Q1 प्लस Q3 इक्वेलेंट टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा. इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, प्लस म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा. ये इससे कैंसिल हो गया, म्यू और म्यू 2 म्यू आ गया. Q1 हमारे पास 8 गिवन है, Q3 17 गिवन है, 8 प्लस 17 आ गया. यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है, 8 प्लस 17 हमारे पास आता है 25 इक्वेलेंट टू 2 म्यू. म्यू की वैल्यू निकालनी है 25, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड होगा और ये हमारे पास आ जाएगा 12.5. अब आप बेशक इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें, बेशक इस इक्वेशन में पुट कर लें, जिसमें मर्जी म्यू की वैल्यू पुट करें, तो सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 6.67. इक्वेशन में इसमें पुट करके चाहे म्यू की वैल्यू पुट करें सिग्मा की वैल्यू निकाल लें, चाहे इस इक्वेशन में पुट करके म्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू निकाल लें. अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो Q3 की जगह 17 रख लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो Q1 की जगह 8 रख लेंगे. यहाँ से आपके सिग्मा की वैल्यू 6.67 जो है वो आ जाएगी. अब हमने करना है 9.35 का बी पार्ट. वो कह रहे हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर द अंडर
45 and the 8% are over 64. Find the mean and the standard deviation of the distribution. कि 31 आइटम्स जो हैं वो अंडर 45 हैं, 8% जो हैं ओवर 64 हैं. हमने बताना है इसका मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम बना के बताऊँगी. थोड़ा सा आपने इसको गौर से देखना है क्वेश्चन को. यहाँ पे उसने हमें सबसे पहले देखें कहा है 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45. हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट. ठीक है, ये है हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम. अब वो कह रहा है 45, लेट 45, ये हमारे पास एंड मिड है. अंडर 45 वो हमारे पास कह रहे हैं 45 लेट करते हैं कहीं यहाँ है इसके अंडर. इसकी निचली वैल्यूज़ कहीं यहाँ पे लाए करेंगी हमारे पास. नेक्स्ट वो कह रहा है ओवर 64 लेट करते हैं, 64 हमारे पास कहीं यहाँ है. ओवर 64 यानी कि इससे अबव एरिया सारा जो है वो हमारे पास आएगा, ये चीज़ आएगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है. एरिया इसके अंडर है, हमें पता है एन मिड में 0.5 ये होता है, 0.5 ये होता है, ये एन मिड है. क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व हमेशा हमारे पास 1 ही होता है, चाहे वैल्यूज़ हम जो मर्जी ले लें. अब यहाँ पे ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, एरिया 0.5 के दरमियान ही हमारे पास लाई करता है. तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया लाइंग बिटवीन 0.5 में से अगर हम इतने एरिया को माइनस कर दें. अब वो कह रहे हैं 45 में हमारे पास 31% एरिया, यानी कि ये हमारे पास 0.31 है, और ओवर 64 में हमारे पास 8% एरिया है. 8% 8 को 100 पे डिवाइड करें, 0.08 आएगी एरिया. ठीक है, अब बिटवीन 0.5 के दरमियान लाए करता है, देन ये टोटल 0.5 है. 0.5 में से अगर हम इतना एरिया माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा ये एरिया हमारे पास आता है. 0.5 में से माइनस करेंगे 0.31, इतना एरिया उसने हमें 0.31 बता दिया, इसे माइनस किया तो हमारे पास इतना एरिया जो है वो आ जाएगा 0.19. ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेबल वैल्यू देखनी है 0.19 की, यानी कि हमने फाई इनवर्स देखना, सॉरी फाई देखना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है 0.19 की. टेबल में से देखें ये हमारे पास आ जाता है 0.19. आप टेबल ओपन करें बुक से, जब हम टेबल वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.4958. ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से कि एक्स हमारे पास क्या है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वेलेंट टू 0.4958. एक्स हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने एक्स नहीं फाइंड करना है, म्यू एंड सिग्मा फाइंड करना था. एक्स हमारे पास हम 45 देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है. हम पुट करेंगे 45 माइनस म्यू सिग्मा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4958. अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये नेगेटिव साइड पे लाए कर रहा है तो इसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जो वैल्यू लाए कर रही हो नेगेटिव साइन लेते हैं. आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लें या यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लें,
हमारे पास ये नेगेटिव साइन जब यहाँ जाएगा ये हो जाएगा म्यू माइनस 45, इधर के साइन चेंज कर देगा 0.4958 सिग्मा, ठीक है। इसे हम दे लेते हैं इक्वेशन ए का नाम। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली हमने इस साइड पे चेक करना है। जिसमें हमने ये सारा प्रोसीजर किया है, जिससे मैंने आपको समझाया है, इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये है, ये भी टोटल 0.5 एरिया है, तो हम 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.08 को, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.42। टेबल वैल्यू हमने देखनी है, जी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जी वैल्यू ऑफ 0.42 इज़, जी वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी 1.4053, ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई है। सिमिलरली यहाँ से हमने सिग्मा और इक्वेशन बनानी है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x हमारे पास क्या है, 64 है, हम पुट करेंगे 64 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वेलन टू 1.4053। सिग्मा यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइड है इसलिए हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। सिग्मा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4053 सिग्मा के आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन बी का नाम दे लेते हैं। सोल्व करेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन बी को। यहाँ पे आप देखें 4 माइनस 45 है ये चीज़, 64 माइनस म्यू है। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से म्यू हमारे पास आ जाएगा 50 और सिग्मा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो 10 आएगा, राउंड ऑफ करके। इक्वेशंस मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रही कि इट्स सो इजी, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे तो देखें म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 64 में से 45 निकाल लें, इसमें से ऐसे माइनस करें, यहाँ से आपके सिग्मा की वैल्यू वेरी इजीली आ जाएगी। फिर सिग्मा की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लें चाहे इसमें, यहाँ से आपकी म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9.35 का बी पार्ट तो यहीं तक था। नेक्स्ट देखें इसका सी पार्ट है हमारे पास, 9.35 का सी पार्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। नाइन पॉइंट थ्री फाइव के सी पार्ट में वो आपसे कह रही है, लेट एक्स बी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर सो डैट पी एक्स लेस देन 89 गिवन है हमारे पास। यहाँ पे पी एक्स लेस देन 89 हमारे पास गिवन है 0.9 एंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 94 हमारे पास गिवन है 0.05। हमने फाइंड करना है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब दो हमारे पास चीज़ें गिवन हैं और यहाँ से हमने म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखें दोनों इक्वेशंस को हम साथ साथ लेके भी चल सकते हैं और वैसे भी। सबसे पहले आपको पता है हम इसे जी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लाइन लगा के इन दोनों को साथ साथ लेके इक्वेशंस को चलती हूँ ताकि जो है क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा शॉर्ट हो जाए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये चीज। अब देखें इस इक्वेशन को इधर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को इधर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 89 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वेलन टू 0.9। इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा पी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 94 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वेलन टू 0.05, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं z लेस देन, ये वैसे ही आएगा माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वेलन टू 0.9, ये आ जाएगा p z ग्रेटर देन
94 माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है 0.05। अब इस चीज़ को z लेस देन हमारे पास है, तो यहाँ से अगर z हमारे पास लेस देन है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा, ये ग्रेटर देन है पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन उससे पहले एक काम हमने और करना है, वो क्या, हमने इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ से z डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करके इसे सिंपल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे z डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फाई 89 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.9, यहाँ पे आ जाएगा फाई 94 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.05, ये वहाँ जाके इन्वर्स का हो जाएगा, 89 माइनस म्यू ओवर सिग्मा वैसे ही, ये इधर आके फाई इन्वर्स 0.9, ये आ जाएगा 94 माइनस म्यू ओवर सिग्मा फाई इन्वर्स 0.05। हमने क्या करना है, इन्वर्स में इसकी जो है वो देखनी है वैल्यूज़, 0.9 देखें कहाँ पे आता है, ये आ जाएगा 0.9 में जब हम देखेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर ये 0.9 है, 0.9 हमारे पास हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो कर्व के अंदर 0.5 एक तरफ लाई कर रहा होता है, 0.5 एक तरफ, तो 0.9 तो हमारे पास हो ही नहीं सकता, तो और ये वैल्यू भी हमारे पास नहीं होती। तो यहाँ से पहले हम एक स्टेप करेंगे, 0.9 में से माइनस करेंगे 0.5 को, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.4, ठीक है, इस साइड पे हम यही टर्म लिखेंगे, नेक्स्ट पे 0.4 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी हम यही टर्म लिखेंगे, 0.5 में से माइनस करेंगे 0.05 को, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.045, यानी कि यहाँ पे 0.045। अब हमने देखना है 0.4 को इन्वर्स में, तो ये आ जाता है 1.28, सिग्मा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 89 माइनस म्यू आ जाएगा, 0.45 देखें तो हमारे पास आ जाएगा 1.645, सिग्मा यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 94 माइनस म्यू, ये चीज़ जो है हमारे पास आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके सिग्मा की वैल्यू निकाल लें, जब सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। बहुत माइनर चीज़ें हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता रही कि इक्वेशन सॉल्व करना, आई थिंक हमने 8th-9th में किया था, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। इधर से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 71.464, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.70। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9.36, इंशाल्लाह वो देखेंगे। मैं आपको बुक से मैं रीड करती हूँ, आप बुक से देखें क्वेश्चन नंबर 9.36 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9.36 हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंज है, वो इन क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल नहीं है। 9.36 देखें, वो कह रहा है एज्यूम डैट नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट 60% और मोर मार्क्स, उसके 60% फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के 60% और मोर मार्क्स हैं इज 25,
और नंबर ऑफ़ फेल्ड स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ़ फेल्ड स्टूडेंट हैं वो लेस देन 30% मार्क्स हैं उनके, और वो हैं 90 द टोटल, एंड द टोटल नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट्स अपेयरिंग, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एग्जामिनेशन में वो 450 हैं हमारे पास। तो अब हमने यहाँ से मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है 9.36 का। 9.36 है हमारे पास। यहाँ पे देखें x हमारे पास गिवन है 25। उसने हमें कहा है जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स हैं 25, ठीक है। अब कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट 60% और मोर मार्क्स इज 25, डेट इज आप 25 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 450 हैं, 25 को 450 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.0556। सिमिलरली अब अगर x हमारे पास 60 है तो एरिया हमारे पास क्या होगा, देन एरिया हम यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें समझने में आसानी होगी। ये हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की डायग्राम आ गई, ये मिड है, यहाँ पे हम कहते हैं कि वो 60% कहीं यहाँ लाए करता है, 60% और उससे ज़्यादा, यानी कि ये ज़्यादा एरिया यहाँ आएगा। तो हमने जब ये एरिया देखना हो तो ये टोटल 0.5 है, तो हम 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.556 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4444, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास 60% के लिए। अब इसी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लेस देन 30% मार्क्स, अब लेस देन 30% मार्क्स, 30 कहीं यहाँ है और इससे लेस देन मार्क्स कहीं यहाँ है। अब हम 30 के लिए देखेंगे कि अगर x हमारे पास 30 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, अगर x हमारे पास 30 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें कह रहे हैं कि वो 90 स्टूडेंट हैं, 90 को डिवाइड करेंगे हम 450 पे और ये हमारे पास आ जाएगा 0.2, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह हमने ऊपर किया है कि 0.5 में से माइनस करेंगे 0.2 को, ठीक है, जिस तरह हमने ये किया है कि अगर हमने ये टोटल हमारे पास 0.5 है, हमने इतने एरिया माइनस करके ये देखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस 0.2 इक्वेलेंट टू 0.3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसको जिस तरह हमने सेम इस तरह किया था इस तरह हम इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, इससे भी और इससे भी, इसी तरह लाइन लगा के। तो देखिए हम इक्वेशंस बनाते हैं म्यू और सिग्मा निकालने के लिए। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये नेगेटिव साइड पे है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पे इस तरह हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं आमने सामने। अब देखिए वो हमसे कह रहा है
अगर x जो है greater than 60% है तो इसका एरिया हमने निकाला है 0.4444. अब वो कह रहे हैं अगर x less than है 30%, इसका एरिया हमने निकाला है 0.3 पीछे. अब देखें इसको भी हमने z फंक्शन बनाना है और इसको भी हमने z फंक्शन बनाना है. हमारे पास आ जाएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.444. प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.3. ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.4444, z लेस देन 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है 0.3. अब हम माइनस पहले कर चुके थे 0.5 में से, पीछे हमने यहाँ पे आके माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे जो हम माइनस कर चुके हैं 0.5 में से, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे. पीछे ही हमने सारा इसको क्लियर कर लिया था. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये यहाँ आके फाई इनवर्स 0.4, ये आ जाएगा 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये अब नेगेटिव साइड पे है तो अब चाहे यहीं पे नेगेटिव साइन लगा लें, चाहे इसके फाई के साथ लगा लीजिएगा 0.3, चाहे इसके आंसर के साथ लगा लें, यहाँ पे आप ना लगाएं, जब हम नेगेटिव इसका आंसर देखेंगे तो तब लगा लेंगे. हमारे पास आएगा 60 माइनस म्यू ओवर सिग्मा बराबर है, जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे 0.44 की, तो ये आ जाती है 1.59. सिमिलरली 30 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 0.3 को इनवर्स में देखेंगे तो ये आ जाता है -0.84. अब सिग्मा यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके, आ जाएगा 60 माइनस म्यू बराबर है 1.59 सिग्मा. इस माइनस साइन को आप इधर ले आए, हमारे पास आ जाएगा माइनस 30 माइनस म्यू इक्वेलेंट टू 0.84 सिग्मा. आप देखें यहाँ से ये तो आ जाएगा 60 माइनस म्यू इक्वेलेंट टू 1.59 सिग्मा, इक्वेशन ए या बी कह लें, ये साइन चेंज हो जाएंगे, म्यू माइनस 30 रह 0.84 सिग्मा बी नाम दे लें. इन दोनों को सॉल्व करें, म्यू म्यू से कैंसिल हो जाएगा, 60 में से 30 निकालें 30 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें, दूसरी तरफ इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा के साथ जो वैल्यू आएगी वो इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, सिग्मा हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके, ए और बी को सॉल्व करके 12.35. इसको इस इक्वेशन में पुट कर लें या इक्वेशन में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लें, या तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 40.37. और यहीं तक जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ख़त्म हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, अ बॉय इज़ ट्राइंग टू क्लाइंब अ स्लिपरी पोल एंड फाइंड दैट ही कैन क्लाइंब टू हाइट एट लीस्ट 1.8 वंस इन 5 अटेम्प्ट. ये क्वेश्चन सेम 6.36 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बता देती हूँ इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है. वो कह रहे हैं हाइट एट लीस्ट, कम से कम हाइट जो है 1.85 है, कम से कम, यानी कि 1.85 से ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती. तो x ग्रेटर देन 1.85 आएगा. वो कह रहे हैं वन इन फाइव अटैम्प्ट अगर आप कर रहे हैं, फाइव में से एक अटैम्प्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2. अब वो क्वेश्चन में ही हमसे कह रहे हैं नेक्स्ट, एंड टू अ हाइट एट लीस्ट 1.70 मीटर 9 टाइम ऑफ 10 अटैम्प्ट.
कि 10 में से 9 अटेम्प्ट्स वो कर रहा है, यानी कि अगर ये 1.7 है, एटलीस्ट 1.7 है, तो 10 में से 9 अटेम्प्ट्स जो हैं उसकी सक्सेसफुल रही हैं, तो 10 में से हमने 9 लेके 0.9 में चेंज कर लिया है। अब वो कह रहे हैं assuming that the height he can reach a virus attempt from a normal distributed calculate the mean and the standard deviation of the distribution calculate also the height that the boys can accept to exceed ones in 1000। अब वो कह रहे हैं हमने कैलकुलेट करना है कि बॉय एक्सेप्ट करता है एक्सीड वंस इन 1000 अटेम्प्ट, कि अगर 1000 में वो वन अटेम्प्ट करता है तो हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखें अप्लाई करते हैं कि अगर ये लेस देन 1.70 है, अगर x ग्रेटर देन 1.70 है तो 0.9 अटेम्प्ट करता है, अगर x लेस देन होगा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस किया 0.9 को तो 1 आ गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ग्रेटर देन की 0.9 है, तो लेस देन की 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो 0.1 आ जाएगी, 0.1 आ गई है। अब हम यहाँ से ये दो इक्वेशंस लेते हैं, एक ग्रेटर देन की एक लेस देन की, क्यों, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है अगर हम एक लेस देन की लें एक ग्रेटर देन की, तो x ग्रेटर देन 1.85 है, x ग्रेटर देन 1.85 ले लिया, x लेस देन 1.7 है 1.7 ले लिया, सेम 6.37 की तरह ये क्वेश्चंस हैं। प्रोबेबिलिटी अप्लाई की, x ग्रेटर देन ये था, इसे z फंक्शन में चेंज हमने करना है, x माइनस में ओवर सिग्मा किया, 0.2 किया, 5 किया, अब हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, 0.5 में से 0.2 को माइनस किया, 0.3 आ गया हमारे पास, ये 5 यहाँ के इनवर्स का हो गया, इसकी हमने वैल्यू देखी 0.84 सिग्मा आई, 0.84 आई सिग्मा, यहाँ डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली अब हमने लेस देन का देखा, 0.1 था, जी में चेंज किया, 5 लिया, 0.5 में से 0.1 को माइनस किया, ये 5 इधर आके इनवर्स का हो गया और इक्वेशन ये बन गई हमारी पास, ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, हमने इक्वेशन ए और बी को सॉल्व किया है, म्यू हमारे पास ये आ गया है, सिग्मा हमारे पास ये आ गया है, इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करके। अब उसने हमें कहा था कि हमने बताना है, कैलकुलेट करना है कि 1000 में से 1 अटेम्प्ट वो करता है, तो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन 1000 में से 1 अटेम्प्ट 0.01 ले लिया है, सिमिलरली 5 में से माइनस किया 0.01 को, तो ये हमारे पास आ गया 0.499। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, म्यू की वैल्यू पुट किया है, सिग्मा की वैल्यू पुट किया है, ठीक है, ये उधर जाके इन्वर्स हो गया है, हमने वैल्यू देखी है, पॉइंट ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, म्यू यहाँ माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके प्लस हो गया, और एक्स की वैल्यू हमारे पास 2.009 जो है वो एम आ गई है, यानी कि उसने 2.009 जो है वो अटेम्प्ट्स की हैं। तो यहीं तक था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ। हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई या नहीं आई, और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें, जितने लोग आपकी वजह से सीखेंगे अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख भी सकेंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।